हेलो भाइयों, गुड आफ्टरनून। ये देखिए, हम लोग आज स्पा भावी में आए हैं, यहाँ पे भेड़ बकरियों के साथ। यहाँ देखिए, हरा भरा जंगल चारों ओर, और जो हमारे फाल लोग हैं वो अपने शाम के रहने के लिए टेंट लगाते हुए, और यहाँ पे देखिए अशु भाई और टोनी काफ़ी थक चुके हैं और उनका पोचा मर चुका है, और ये हम लोगों का टेंट है अपने लिए लगाया हुआ हमने। और यहाँ पे सुखू भाई, और यहाँ पे देखिए कंबले, पिछली बार जो भी लोग यहाँ पे आए थे उन्होंने इनका काफ़ी रफ यूज़ किया है, सारी कंबले कीचड़ से ख़राब कर दी है, कृपया ऐसा ना करे। ऊपरली साइड है कुछ लोग रुके हुए यहाँ पे भी डाल। मोटी खुशी हो रही है यहाँ पे पार करते हुए। Oh,
पे खाना बनाना यहाँ कंडे में बहुत ही दिक्कत आ रही है। यहाँ पे लकड़ियाँ भी हमने कम से कम 20 किलोमीटर दूर से लाई है ढो के, और यहाँ देखिए इतने ही लकड़े हमारे पास स्टॉक कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे देखिए एक बंदा है, फुल काम चोर है, चित हो गया, वो दम ही नहीं है बंदे को। और दूसरा बंदा यहाँ बैठा हुआ है, ये तो खड़ा ही अभी तक। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, फिर कैसे ग्राउंड है आशीष चौधरी रात में। जय शिव शंकर, सुबह सुबह सूरज के दर्शन होते हुए यहाँ पे कच्चा पार्टी करना पड़ेगा लगता है। आज हमारी यात्रा का तीसरा दिन है और हम 2 घंटों के अंदर अब श्रीखंड पहुंचने वाले हैं। हसीन वादियों का नज़ारा, हसीन वादियाँ चारों ओर, बिल्कुल भयानक ग्लेशियर। ये देखियो भाइयों, हमारे यात्री लोग आते हुए बर्फ से लदी हुई चोटी एकदम फुल कवर हो चुकी है। यहाँ पे दूसरे हमारे साथी अश्वाई, उनका पोत का एक स्टाइल है, पता नहीं आसमान को देख रहे हो, ऊप देख रहे हो, भोलेनाथ की आस लगाए बैठे हुए हैं। यहाँ पे आस और कयास दोनों काफ़ी ज़्यादा श्रद्धा है उनको भोलेनाथ पे। यहाँ देखिए आप कितना ही भयानक नज़ारा है भाइयों, ये नज़ारा आप शायद ज़िंदगी में कभी देख पाएंगे, क्योंकि आज आज है ये मेरे दो भाई लोग चलते हुए ग्लेशियर में। रास्ता रह चुका है अब श्रीखंड के लिए, काफी ज्यादा बर्फ गिरी हुई है यहाँ। ये देखिए मेरे एक साथी पीछे से आते हुए, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी बर्फ है, यू बर्फ़ है। कल जब हम नीचे से आ रहे थे उसी टाइम ताज़ा बर्फ़ लगी है कुछ, और कुछ तो यहाँ पे आपको पता है पहले की इतनी हाइट में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है, और आसमान में हल्के से बादल छाते हुए। जब सुबह के टाइम आए थे तो आसमान बिल्कुल क्लियर था, लेकिन अभी हल्के हल्के बादल आते हुए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जब हम ऊपर पहुँचेंगे हाइट पर तो शायद ही ये बादल हट जाएंगे। और एक मेरे दूसरे भाई ऊपर बीच में जा चुके हैं, काफ़ी दम कम रखते हैं चढ़ने का, काफ़ी पावरफुल बंदे हैं। और फिर आप देख सकते हैं कितना ही भयानक और कितना ही मस्त, एकदम मन को खुश करने वाला नज़ारा है। और यहाँ देख सकते हैं आप चारों ओर, यहाँ से
कोई तो गांव दिख रहा है शायद, ये नत्तिया टिक्कर कट ऑफ हो गया, बाकी कुछ भी नहीं यहाँ पे। ऑक्सीजन की भी बहुत कमी है इस साइट में। बाकी हम आपको दूसरा वीडियो बनाएंगे थोड़ा टॉप में जाके। जय भोले शंकर। साइड से बहुत आ रहे, कल भी गुजराती भी आए हुए नीचे, भीम द्वार रुके रात को। अच्छा, दो तीन तो वो भीम तला ही रुके थे, दो लड़के आए आगे को। ये हम घर वापसी की ओर चलते हुए हैं और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हाँ देखिए, मज़ा ही मज़ा है। चकान लैंड कर दे भाई। देखो भाइयों, बंदे वापसी की ओर जाते हुए, घर वापसी होती हुई, कुछ लोग स्केटिंग का मज़ा भी लेते हुए। ये हमारे यहाँ से जो जाँव साइड से आए थे वो लोग उस साइड जा रहे हैं, और हम इस साइड से नीचे जाएंगे, क्योंकि हम सरपारा की ओर से आए थे। तो देखिए, हर बंदा यहाँ पे फुल मज़े ले रहा है, कैसा मज़ेदार माहौल है। शायद ही ऐसा मज़ा कहीं आ सकता है। और ये देखिए, बर्फ का फुल मज़ा ले रहे, हर कोई मज़ा लूट रहा है यहाँ, इन वादियों का, इन हसीन वादियों का यहाँ पे। ऐसी नाचे मेरी टांगा वाती लैंड कर दे जग्गा।